बिटिया के जन्म की खुशी ऐसी कि हाथी पर बिठा कर करवाया गृह प्रवेश। लोगों की सोच बदल रही है, बेटी के जन्म को वह उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। उर्मिला तोमर ने कहा कि पोती जियांसी नाम के साथ तोमर परिवार का नाम रोशन करेगी। पूरी गली में ये जश्न देखने को मिला। यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। जिसने भी बिटिया को हाथी पर सवार होते हुए देखा उसने यही कहा, बिटिया के आने की खुशी हो तो ऐसी हो। गृह प्रवेश को लेकर बिटिया के घर को पूरे फूलों से कुंटलों से सजा दिया गया। परिवार व समाजजन भी आगे आया स्वागत करने। और बड़े ही हर्ष का विषय था हमारे तोमर परिवार में कि यहाँ पे बिटिया का आगमन हुआ। लेकिन वो क्योंकि इंदौर में जन्म हुआ था उनका, तो हम लोगों ने उनका गृह प्रवेश रखा था यहाँ पर उज्जैन में। हम लोग यहीं के निवासी हैं तो हमने गृह प्रवेश रखा था। हमारे मन में ये विचार आया कि लड़के जब जन्म लेते हैं तो उस समय में बंदूकें चलाई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बहुत सारे उत्सव किए जाते हैं। लेकिन बेटियां जब होती हैं तो आज भी हमारे समाज में ये मानसिकता है कि धीरे से हम लोग दबी आवाज में सबको सूचना देते हैं कि हमारे घर में बेटी आई है। चाहे वो हम कहेंगे कि लक्ष्मी आई है, पर उतना उत्साह हम लोग नहीं बता पाते हैं। लेकिन ये हम आपको बताना चाहेंगे कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने कई वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की है कि आने वाला युग नारी का युग होगा और विभिन्न संगठनों में नारियां अहम भूमिका निभाते हुए प्रतिनिधित्व करेंगी। बेटे और बेटियां बराबरी से अपना दायित्व तो निभा रहे हैं तो हमें बेटियों के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। बेटियों का जन्म भी उतना ही हर्ष का विषय है जितना बेटों का जन्म है। तो इसलिए मुझे समाज को ये संदेश भी देना है कि बेटियां हमारे लिए गर्व का विषय होती हैं, ना कि हमें बेटियों के लिए कुछ भी बेटों से कम सोचना चाहिए। इसीलिए हमने बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा तो हम लोग मानते हैं, लेकिन हाथी पे सवारी करके उनको उनके दादाजी की ये इच्छा थी कि हमारे घर में ये बेटी बिल्कुल लक्ष्मी के रूप धारण करके ही प्रवेश करे। तो हमने हाथी पे सवारी करके और बेटी को गृह प्रवेश करवाया और कुंटलों फूलों से हमारे घर की सजावट की गई और बड़े ही उत्सव के साथ में हमने उनका नामकरण संस्कार किया, जो कि हमारे हिंदू संस्कृति के 16 संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि आप बताइए बेटियां और बेटों में आज क्या अंतर रह गया है। बेटियां भी आज अपने पिता को कंधा देके शमशान घाट तक ले जा रही हैं और जल थल नभ में अपनी परचम फहरा रही हैं। तो इसके बाद में बेटे भी यही कार्य कर रहे हैं। बेटियां भी अपने माता पिता के कर्तव्य के लिए उत्तरदायित्व तो निभाती हैं, बेटे भी निभाते हैं।